हमारे साथ मौजूद है राजीव खोसला जी, अशफाक उल्लाह खां की 122वीं जयंती का आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। आज हम उनसे जानते हैं कार्यक्रम के विषय के बारे में। आप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई रेडियो इंडिया में। धन्यवाद जी। अशफाक उल्लाह खां साहब का 122वां जन्मदिन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में जाकिर खान साहब चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। हमारे यहाँ पर आज मौजूद रहे अशफाक उल्लाह खां के जन्मस्थली शाहजहाँपुर से मोनिश भाई जी और मोहम्मद फैज खान जी, सुशील खन्ना जी, आरिफ देलवी साहब ने खूबसूरत अंदाज में कहा कि पहला हिंदुस्तान कहाँ, कहाँ है सोने की चिड़िया। बहुत अच्छी से उन्होंने एक पेश किया। और हमारा एक मकसद है गरम दल क्रांतिकारी वीरों को जन्मदिन पर पुष्पांजलि देना, शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देना। यह कार्यक्रम हम पिछले 20 सालों से तकरीबन करते आए हैं। आज यह कार्यक्रम मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। अशफाक उल्लाह खां साहब का जन्मदिन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में बनाया गया जी। आपको इस कार्यक्रम के इस तरीके का जो आयोजन होता है, इतनी उत्साह इतनी ऊर्जा के साथ आप करते हैं, तो आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, प्रेरणा स्रोत हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी, स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनका हमें प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी, चेयरमैन जाकिर खान साहब जैसे मौजूदा व्यक्ति जो हमें प्रोत्साहन करते रहते हैं, और बाकी आप सब लोग जो जिनके राष्ट्रभक्तों के माध्यम से हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। ये मैंने फिर कह रहा हूँ, हम पिछले सदियों से, पिछले 20 साल से कार्यक्रम करते हैं। कल हमें लाल किला में जाने का मौका मिला। लाल किला में कल 80वीं वर्षगांठ थी आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1947 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, जो कल सरकारी कार्यक्रम था जिसमें हमें जाने का मौका मिला। ऐसे ही भगत सिंह जी का जन्मदिन भी हम मनाते हैं, अशफाक उल्लाह साहब खान साहब का जन्मदिन मनाते हैं, शहीद ऊधम सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी और करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, सभी के जन्मदिन और शहादत दिवस पर हम श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं जी। देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने लहू का बलिदान दिया, जिससे हमें यह आज़ादी मिली। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं, बहुत जो फिल्म अभिनेताओं को, फिल्म अभिनेत्रियों को तो फॉलो करते हैं, मगर कोई कहीं भी वो अपने क्रांतिकारियों को क्या वो याद करते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, देश के युवाओं के बारे में, कि वो अपने क्रांतिकारियों को अपने हीरो माने? देखिए, ये है कि हनी सिंह को तो सबको मालूम है कौन है युवाओं को, मगर भगत सिंह का मालूम नहीं है। आज हर भारतवासी चाहता है कि अशफाक उल्लाह का पैदा हो, झांसी की रानी पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, राजगुरु पैदा हो, झांसी की रानी और सभी ये गरम दल क्रांतिकारी वीरों के जैसे लोग पैदा हो, मगर मेरे घर पे ना हो, पड़ोस के घर पे पैदा हो, ताकि मलाई मैं खाऊं, अगर डंडे खाए तो वो खाएं। इस सोच को बदलना है। हम युवाओं से यही निवेदन करते हैं, गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़ो। खुदीराम बोस मात्र 18 वर्ष की उम्र में शहीद हुए, उनका पढ़ो। जब उनकी जब फांसी लगी, उसके बाद युवाओं ने जो धोती बनती है बंगाल में, धोती के किनारे पे खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस लिखी हुई धोती पहनी थी, वो सोच थी। आज नेट से आप पढ़ो, गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़ो, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलो, पुनः पहले वाला हिंदुस्तान आ जाएगा जी। आपको बता दें राजीव जी, इसी तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, देश के क्रांतिकारियों को याद करते रहते हैं, भारत माता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित वो करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी रेडियो से बात करने की।